हेलो एवरीवन वेलकम टू चहल एकेडमी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ग्रीन हाइड्रोजन तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन और फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द रीजन टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन आखिर हम ग्रीन हाइड्रोजन को क्यों डेवलप करना चाहते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम किन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या इसे यूज कर सकते हैं और फिर हम बात करेंगे वॉट आर द इनिशिएटिव और स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया सो लेट्स बिगिन व्हाट ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन इज एनर्जी सोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एमिशन ऑफ कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस मींस की इसमें जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जाता है ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी टाइप के कार्बन एमिशन CO2 emission और greenhouse gas emissions नहीं किए जाते हैं so ये हाइड्रोजन so है, और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है सो so इस वॉटर में हम हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं और किस तरीके से अलग करते हैं इसे बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑफ़ के प्रोसेस से हम अलग करते हैं मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो हम एनर्जी को यूज करते हैं वो एनर्जी विंड एनर्जी सोलर एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी हो सकती है मीन्स ये एनर्जी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी होगी ना कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होगी और इस वजह से जो हम इस वाटर से हाइड्रोजन को जो अलग करते हैं या हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं इस जन इस जनरेशन में हम किसी भी टाइप के कार्बन को एमिट नहीं करते हैं और इस वजह से ये हाइड्रोजन कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है टू मेक अ इकोनॉमी कार्बन फ्री और जो आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल वार्मिंग का उसे निपटने में हमें इससे हेल्प मिलेगी जो ग्रीन हाइड्रोजन से हम अपने इंडस्ट्रीज को अपने व्हीकल्स को चल, रन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द क्लाइमेट और इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन एक कार्बन फ्री इकॉनमी को डेवलप करने में काफी हेल्पफुल है सो व्हाट आर द रीजंस टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन इसका सबसे बड़ा जो रीजन ये है कि इसमें ग्रीन हाउस गैस एम्यूस जो होते हैं काफी कम हो जाते हैं ना के बराबर होते हैं क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो बेसिकली होते हैं ये जीरो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं मींस इसमें कोई भी कार्बन एमिशन या सीयूट एमिशन नहीं होते हैं और इसमें सिर्फ वाटर एंड वेपर बेसिकली एमिट होते हैं और दूसरा रीजन ये है कि जो हम आज के टाइम में फॉसिल फ्यूल मींस पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल जो यूज करते हैं इस, इसके जो सोर्सेस हैं वो काफी फाइनाइट है मीन्स लिमिटेड है और कुछ टाइम के बाद ये फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल ये खत्म हो जाएंगे और इस वजह से हमें कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जिसका बेसिकली इनफाइनाइट सोर्स हो और ये लॉन्ग टाइम तक चले सो so दैट कि हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो सके और इस वजह से जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये इस डायरेक्शन में हेल्पफुल होगा उसके बाद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अब तक 2018 तक 11 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर चुका है और बाय 2050 इट हैज कैपेसिटी टू प्रोवाइड मोर दे में भी हेल्प मिलेगा मीनरेट जो जो होगा और एनवायरमेंट को जो अफेक्ट करता है कार्बन वो भी कम होगा ग्रीन हाइड्रोजन के हेल्प से और अगर हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को हम कहा यूज कर रहे हैं या कहां पर यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला इसका यूज हो, हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम फर्टिलाईजिकल फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं लाइक like यूरिया या एटसेट्रा इन सबको जनरेट करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो एनर्जी यूज करनी पड़ती है वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होती है और जिस वजह से कार्बन एमिशन होते हैं लेकिन अब हम जो फर्टिलाइजर्स जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को अगर यूज करते हैं तो एनवायरमेंट अफेक्ट नहीं होगा और इस तरीके से हम बेसिकली विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट हम फर्टिलाइजर्स बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगा और एनवायरमेंट भी हेल्दी होगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इसे यूज किया किया जा रहा है और इसे हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाइड्रोजन फ्यूल सेल सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली जो केमिकल एनर्जी होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में और वाटर एंड हीट में और इस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली हमारे व्हीकल्स को ट्रांसपोर्टेशन को इस तरीके से विदाउट कार्बन फ्री बनाने में हेल्पफुल होगी और हमारे जो व्हीकल होंगे वो जीरो कार्बन एमिट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने से और इस तरीके से पोल्यूशन लेवल भी काफी कम हो सकता है और अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए सो so, इंडिया ने 2021-22 में हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था और इसमें हमने बात किया था कि इंडिया को हम ग्लोबल हब बनाएंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मीन इंडिया में हम ग्रीन हाइड्रोजन को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हम ना तो अपनी सिर्फ जरूरतों को पूरा कर सकें बल्कि इसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकें दूसरी कंट्रीज को और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यह प्रपोज किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के कंजन को बेसिकली हम कंपलसरी बनाएं और फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री है इसे कंपलसरी यूज करें सो देट की फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो कार्बन एमिट करती है या जो पॉल्यूशन करती है वो कम हो सके सो so, ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स टॉपिक को इजी लैंग्वेज समझने के लिए प्लीज की फॉलोइंग शेहल अकेडमी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच